हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में है, साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। एक रो में 4 सैपलिंग्स कह सकते हैं कि 4 फ्लावर्स जो हैं वो साइली ने प्लांट किए हैं। एक ही लाइन में वो चारों के चारों सैपलिंग्स जो है उसने प्लांट किए हैं उसके गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। 3/4 का डिस्टेंस है दो सैपलिंग्स के बीच में। यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, मतलब चारों सैपलिंग्स के बीच में 3/4 का जो डिस्टेंस है वो रखा गया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ये फर्स्ट सैपलिंग है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। मतलब आपको ये डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस के लिए क्या होगा, इसका इसका और इसका तीनों का एडिशन हो जाएगा। एडिशन होना मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3/4 तो है डिस्टेंस, लेकिन कितने बार है 3/4, एक बार, दो बार, तीन बार। जब ये तीन बार 3/4 मिलेगा तो हमें फर्स्ट और फोर्थ सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे इंटू 3। बस सीधा सा हमारा कैलकुलेशन है, 3/4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 9, क्योंकि हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लीकेशन होती है। तो 3 3 9 और 4 1 4, तो 9/4 मीटर का टोटल डिस्टेंस है ये फर्स्ट और फोर्थ सैपलिंग के बीच में। इसे और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 4 और 9 जो है किसी एक नंबर से और ज़्यादा डिवाइड नहीं होता। तो 9/4 जो है ये टोटल डिस्टेंस हुआ है 9/4 मीटर का फर्स्ट और फोर्थ सैपलिंग के बीच में। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में हमें क्वेश्चन दिया है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर एवरी डे। हर दिन लिपिका कितनी बुक पढ़ती है, 1 3/4 आवर्स हर दिन पढ़ती है इतने घंटे। एंड शी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज, 6 दिन में उसने वो पूरी बुक को कंप्लीट कर दी। तो हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड टू हर टू रीड द बुक, उसे कितने घंटे ओवरऑल लगे उस बुक को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक दिन में, वन डे में कितना लेती है, 1 3/4 आवर्स। ये हमें दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, इसे हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, 4 1 4 4 + 3 7, ये हो गया 7/4। तो 7/4 आवर्स का वो हर दिन पढ़ती है, 7/4 आवर्स एक दिन में पढ़ती है। उसे टोटल कितना टाइम लगा, 6 डेज, मतलब 6 डेज में कितना पढ़ेगी वो, तो 6 × 7/4 हम बोल सकते हैं, राइट। एक दिन में 7/4, दूसरे दिन में 7/4, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, पांचवें दिन में, इस तरह से 6 दिन तक 7/4 आवर्स वो पढ़ेगी। तो टोटल क्या होगा, हम 6 × 7/4 कर सकते हैं। अब सीधे हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, हमारा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, 6 7 42 और 4 1 4। अब 4 और 42 और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या, यस, 4 और 42 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 21, दैट इज 21/2 आवर्स हो गया। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, 21/2 आवर्स जो है इतना वो 6 दिन में पढ़ती है। मतलब टोटल ओवरऑल बुक को उसने कितना दिन लगाया पढ़ने के लिए, कितना घंटा, 21/2। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में हमें देखना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम उसके लिए डिवीजन करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा है 2 बाहर, 21 अंदर है, 2 10 20 होता है, माइनस करेंगे 1 बचेगा। ये हमारा डिवीजन हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे और इस तरह से हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। हमारा 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 10 साइड में आ जाएगा। तो 10 1/2 आवर्स उसने ओवरऑल टाइम लिया उस एक बुक को 6 दिन में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से 10 1/2 आवर्स जो है ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चंस के लिए मेरे अगले वीडियोस देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।